हाँ चलेगा चलेगा भैया, सबसे पहले छतर ऊपर पियो, पानी पियो। ओ मम्मी क्या नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। बातें यूपी की टीम अब पहुंच चुकी है गाजियाबाद। गाजियाबाद में हम पहुंच चुके हैं यशार्थ शेखर के पास, जिन्होंने यूपीएससी में 12वीं रैंक हासिल की है। ढेरों शुभकामनाएं आपको यशार्थ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका वो रिएक्शन जानना चाहूंगी कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा, 12वीं रैंक हासिल की है आपने, क्या रिएक्शन था उस वक्त? उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा, तो पर मुझे इतना पता है मैं चिल्ला रहा था और मैं घर की इधर उधर भाग रहा था। फिर धीरे 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 ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो सर्विस चाहिए थी वो मिल जाएगी। रैंक का तो बाद में सोचा, रैंक इतनी अच्छी आ गई है, लेकिन पहले तो सर्विस का फ़र्क पड़ता है ना। तो सर्विस के लिए मैं तो चिल्ला रहा था, मैं तो ज़मीन में गिर गया था चिल्लाते चिल्लाते, और मैं हर किसी को हक कर रहा था, तो बहुत अच्छा मोमेंट था। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। क्या कुछ कमी रह गई दो अटेम्प्ट में? आई थिंक पहले अटेम्प्ट में तो मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं करी थी, तो मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ। सेकंड में मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ बहुत करी, पर प्रीलिम्स हो गया, पर मेंस मैंने ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे, वो मेरी मिस्टेक थी। थर्ड में मैंने दोनों मिस्टेक्स को करेक्ट किया। थर्ड में मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे, बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत करी, अलॉन्ग विद मल्टीपल टाइम्स मैंने रिविजन किया, और उसकी वजह से मेरे रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। 12वीं रैंक हासिल करना काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ये स्टडी मटेरियल क्या था, क्या कुछ आप पढ़ाई में इस्तेमाल करते थे? स्टडी मटेरियल वही था कि मतलब जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत के लिए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ ली, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया पढ़ ली, बाकी मैं उनके नोट्स प्रिपेयर करता था जहाँ तक हो सकता था। और हिस्ट्री के लिए मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया, मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा मैंने उस पे ज़्यादा फोकस किया। तो जैसे अगर मतलब अगर मैं 4 घंटे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, तो उसके एवज में मैं 2 घंटे जीएस पढ़ता था, तो और उसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो बेसिकली नोट मेकिंग, जहाँ पे बुक्स थी वहाँ से बुक्स से फोकस किया, और करंट अफेयर्स को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, और कुछ वीडियोज़ देख लेता था यूट्यूब पर जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए मेरे आंसर्स में, और प्रैक्टिस किया मैंने आंसर राइटिंग की। शेड्यूल क्या होता था पढ़ाई का, कितने घंटे पढ़ाई को देते थे आप? ये कोई फिक्स नहीं था, पर मोर और लेस मुझे लग रहा है कि जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो वो 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12-13 घंटे भी पढ़ाई हो जाती थी। तो सुबह मैं 8 बजे उठता था, 8:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, और पहले 4-6 घंटे मैं ऑप्शनल पढ़ता था, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर मेरे रेस्ट लेता था, उसके बाद मेरा जनरल स्टडीज़ का स्लॉट था, उसके बाद मैं रात में 3-4 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ता था। स्टडी बैकग्राउंड के बारे में अगर जानना चाहूँ कि कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, आगे की क्या सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? मेरी स्कूलिंग बहुत डिफरेंट प्लेसेस से हुई है, क्योंकि माय फादर इज़ इन ए ट्रांसफरेबल जॉब, तो उसकी वजह से मैंने कुछ साल लखनऊ में पढ़ाई की है, कुछ साल बिजनौर में पढ़ाई की है, कुछ साल गाज़ियाबाद में करी है, कुछ साल प्रतापगढ़ में भी करी है, तो ऐसे बहुत 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 विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी पढ़ाई हुई है। और उसके साथ साथ मैंने अपना क्लास 10th CMS गोमती नगर से किया, और क्लास 12th मैंने लमाटिनिया से किया 2015 में। उसके बाद मैं दिल्ली गाज़ियाबाद आ गया, और मैंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और मैं 2018 में मैं ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी की। आपने जितना समय पढ़ाई को दिया वो तो ठीक है, बाकी खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं पढ़ाई के अलावा? यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो मेरे लिए कई चीज़ें हैं जिसको मैं करता हूँ जिससे स्ट्रेस कम होता है, जैसे मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। अभी टाइम मिल नहीं पा रहा था, लेकिन कभी अगर टाइम मिला तो मैं ट्रैवलिंग कर पाता था, ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं घूमने चला जाता हूँ। अच्छा, क्या बचपन से ही IAS बनने का सपना था, या फिर अगर IAS नहीं होते तो क्या होते आप? बचपन से ही सपना तो IAS बनने का ही था, और धीरे धीरे समझ में आया कि क्या 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 करना है क्या नहीं करना, उसी के हिसाब से मैंने अपने जीवन के निर्णय लेना स्टार्ट कर दिए। जैसे क्लास 11th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम चूज़ कर ली, उसके बाद उसी तरीके से मैं अपने आप को ओरिएंट करता चला गया, और जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज में, तभी से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया UPSC के लिए, और वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि 6 साल का जो सफ़र था वो अंततः अच्छा कंक्लूजन में आ गया। वही है कि अगर आप पहले सोच लें उस चीज़ के बारे में
तो आप अपने जीवन की सारी एनर्जीज उसी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, तो वो हेल्प करता है। परिवार का आपकी इस जर्नी में किस तरह से सपोर्ट रहा? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, लास्ट ईयर 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी। तो अब घर में मम्मी पापा थे, उन्होंने किसी तरीके से उठाया बेड से, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। छः सात महीने से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था। तो इसी तरीके से यूपीएससी की एंटायर जर्नी में, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ना जा रहे हैं तो हर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में तो होता नहीं है, सो एवरीवन स्ट्रगल्स। हर किसी का मतलब कोई अप आता है, कोई डाउन आता है, और डाउन बहुत आते हैं, तो उसमें माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आपको कहते हैं कि भाई करते रहो, उसका अंत फल अच्छा होगा। तो वो चीज़ के लिए फैमिली वाले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपने खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया? पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया है, लेकिन आपने खुद को किस तरह से मोटिवेट रखा? आई थिंक मेरे हिसाब से मोटिवेशन रहने के लिए ज़रूरी यह है कि आप पढ़ते रहें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे एक दिन, तो उससे क्या होगा कि आप एक दिन और चिंता करोगे कि हमने पढ़ाई नहीं करी, उसकी वजह से और स्ट्रेस होगा और नहीं पढ़ पाओगे। तो एक बहुत गंदी साइकिल, विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है, और उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे शेड्यूल में एक चीज़ थी कि मैं अपनी साइकिल तोड़ता नहीं था। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 14 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हर 15वें दिन में एक ब्रेक चाहिए ताकि मैं इन्जॉय कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर मैं एक दिन ही ब्रेक लेता था तो मुझको लगता था कि यार मैंने एक दिन अपना बर्बाद कर दिया। वो अलग बात है, लोग इन्जॉय करने के लिए या थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए कर सकते हैं, पर मेरा नहीं था। मैं यूजली ब्रेक्स नहीं लेता था, बस मैंने सोचा था कि 3 महीने की बात है, 3 महीने हम थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे तो उसके बाद उसका अंत अच्छा होगा। तो मैं कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता था, मैं साइकिल नहीं तोड़ता था, तो मैं जोन में, फ्लो में रहता था। ये मेरी टेक्निक थी। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में नहीं हुआ था, क्या कुछ एक्सपीरियंस था उसका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था प्रीलिम्स में, सेकंड में मेंस हो गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो प्रीलिम्स के होने के 15 दिन तक तो कुछ नहीं लगता है कि मतलब लगा कि एक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दिमाग को ये बात पता चलने लगती है कि भाई हमारा हो गया है, हमारा नहीं हुआ है, तो फिर बहुत मतलब उसके 3-4 महीने तो बहुत डिप्रेसिव फेज था, और मतलब मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते थे। लेकिन मैंने उसका टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन किया, मेरे ज्योग्राफी के नोट्स मैंने बहुत डिटेल बनाए, और वही ज्योग्राफी के नोट्स जब मैंने रिवाइज़ किए हैं इस बार तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं ऑप्शनल में, तो उसका भी मैंने अच्छा यूटिलाइजेशन किया उस पीरियड का। क्या प्लानिंग है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं आप, कुछ सोचा है अभी तक? अभी तो 2 महीने तो कुछ नहीं करना है, 2 महीने बहुत थोड़ा सा इन्जॉय और रेस्ट करूँगा मैं, और थोड़ा सा फैमिली वालों से मिलूँगा, और उसके बाद अब वही है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए जाएंगे और बस वहाँ पे अब मेहनत करनी है। जो 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 नौकरी मिलती रहेगी उसके लिए हम काम करेंगे। तो पहला रिएक्शन अगर मैं जानना चाहूँ कि जब रिजल्ट आउट हुआ, जब पता चला कि बेटा अब आईएएस बन चुका है, क्या रिएक्शन था उस वक्त बेटे का? आपका? मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई थी, इसका रिएक्शन मैंने बनाया था। 12th rank 10 बार कहा इसने, और रो रहा था, पापा रो रहे थे, मैं रो रही थी। इंस्पिरेशन जानना चाहूँ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, बचपन में इशारत कैसे थे? बचपन में बदमाश तो था ही थोड़ा बहुत, और पढ़ने में बहुत अच्छा था। कहा जाए पढ़ाई को लेके शुरू से ही डेडिकेट? हाँ, शुरू से। और ये इसकी एक थी कि जिस स्कूल में भी जाता था, चाहे वो कितना भी बड़ा शहर हो, विद इन 1 मंथ टॉप पे आ जाता था ये, विद इन 1 मंथ। तो इसलिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? माँ को बच्चे के साथ बहुत बिताना चाहिए, मतलब माँ को बच्चे के साथ बहुत समय बिताना चाहिए, तभी वो जान पाएगी बच्चा कैसा है, पढ़ने में क्या करना। बच्चे का माँ के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा। मैंने मैक्सिमम टाइम रहा, इतना बड़ा हो गया है, मैं 7 साल हो गई हूँ, अपने मायके सिर्फ 4 दिन के लिए गई हूँ रिसेंट, कभी भी छोड़ा नहीं है। अभी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, बस मेरे को ये खुशी है कि वो जो चाहता था उसको वो मिला। माँ होने के नाते कितना गर्व महसूस कर रही है अपने बेटे? नहीं, गर्व तो है ही भाई, हर माँ करेगी गर्व, लेकिन मेरे को सिर्फ इतनी चीज़ अच्छी लगी बहुत, उसको जो चाहिए था वो मिला, बस हमें नहीं, उसको जो चाहिए था वो उसने पा लिया। यूपी बहुत पसंद है उसको, और वो यूपी में रहना चाहता है, स्पेशली कहता है मुझे, मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं देखा है अभी बहुत, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसमें काम करना चाहता हूँ।